नमस्कार, स्वागत है आपका आईवी टीवी के स्पेशल शो एडुकेशन फाइल में और मैं हूं आपके साथ सुश्री श्रीवास्तव। इस शो में हम आपको एडुकेशन से जुड़ी खबरें बताएंगे क्योंकि शिक्षा है जरूरी। आज खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार के शिक्षकों को मिड डे मील से कैसे मिलेगी मुक्ति और SC ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर विपक्ष क्या कह रही है। खबर बिहार के शिक्षकों से जुड़ी है। अब बिहार के शिक्षकों को मिड डे मील से अलग रखा जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को दे दी है। ऐसे में अब प्रदेश के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों के 1,70,00,000 बच्चों की सेहत अब अक्षय पात्र रसोई से सुधरेगी। आए दिन मिड डे मील योजना में मिल रही शिकायतें अब दूर होगी। फिलहाल पटना के कुछ स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को दे दी गई है। यदि ये सफल रहा तब पूरे बिहार में इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें, इस व्यवस्था के लागू होने से मिड डे मील में लगे शिक्षकों को राहत मिलेगी। अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर ही रहेगा। पहले इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती रही, इसलिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन को पटना के कुछ स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था किए जाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। यदि ये प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा तो पूरे प्रदेश में अक्षय पात्र रसोई को लागू किया जाएगा। मिड डे मील योजना के संचालन में करीब 3.5 लाख शिक्षकों के जुड़े रहने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है, इसलिए इस व्यवस्था के लागू होने से शिक्षकों को इससे अलग कर दिया जाएगा। ऐसे में शिक्षकों का पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर रहेगा, बच्चों को भी बेहतर भोजन मिल सकेगा। अक्षय पात्र रसोई में एक साथ 50,000 बच्चों का खाना तैयार किया जा सकेगा। मानकों पर परखने के बाद ही बच्चों को परोसा जाता है। खाने की थाली स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अक्षय पात्र फाउंडेशन पर होगी। फिलहाल पटना के कुछ विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी संस्था को दे दी गई है। यदि सब कुछ बेहतर रहा तो ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकेगा, जिससे शिक्षकों का टेंशन दूर होगा और वे ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित कर सकेंगे। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फायदा रहेगा, उन्हें बेहतर भोजन मिल सकेगा और बेहतर पढ़ाई का भी माहौल बनेगा। अब आते हैं दूसरी खबर पर। बिहार में पिछले 2 साल से SC ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कोई आवेदन सरकार ने नहीं लिया है। वही इस साल अब तक इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। इस स्कॉलरशिप के भरोसे कर्ज लेकर पढ़ाई करने वाले छात्र कर्ज के बोझ तले दब गए हैं और अब बिहार में विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है। इस मामले को लेकर हो रही किड़किड़ी के बाद सरकार सचेत हुई है। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि 15 अगस्त तक छात्रवृत्ति का मामला सुलझा लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार SC ST के छात्रों की छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 अगस्त तक छात्रवृत्ति के सभी मामलों को सुलझा लिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इस मामले में उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हो गई है। तो ये थी आज की एडुकेशन से जुड़ी खबरें। इसी के साथ देखते रहे एडुकेशन फाइल। हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे लाइक करें और Twitter पे फॉलो करें। धन्यवाद।